पेश है क्रिकेट इंसोम्निया का नया सेगमेंट द क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री शो। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। वेल, वो कहते हैं ना दोस्त कि पहला इश्क भुलाई नहीं भुलाया जाता, बस कहिए कुछ ऐसा ही है इंडियन क्रिकेट के सुरमाओं के लिए फैंस का प्यार। जब भी क्रिकेट का जिक्र होता है तो इन सुरमाओं का नाम बड़ी आन बान और शान से लिया जाता है, जिसमें से एक नाम है सुनील गावस्कर। सुनील मनोहर गावस्कर 5 फुट और 5 इंच का एक सिंपल पर्सनालिटी वाला खिलाड़ी, जिनकी सिंपल पर्सनालिटी को देखकर जो ओवर कॉन्फिडेंस में गया वो समझो हमेशा के लिए गया, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी सिंपल पर्सनालिटी के पीछे छुपा है एक ऐसा धुआंधार क्रिकेटर जिसने मैदान में हमेशा तहलका ही मचाया है। क्रिकेट की हिस्ट्री में जब भी सुनील गावस्कर का नाम आता है तो बड़े ही शानदार अंदाज में ये कहा जाता है यही है वो जिसने उस दौर में भारतीय गेंदबाजों को फास्ट बॉलर्स के सामने बैटिंग करनी सिखाई, जब बॉलर्स के लिए क्रिकेट हिस्ट्री में एक गोल्डन एरा चल रहा था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस मिसाल खिलाड़ी के बल्ले से जुड़े जादू भरे ऐसे किस्सों को जिसने हर किसी को अपना कायल कर दिया। क्रिकेट की दुनिया में लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाने वाले सुनील गावस्कर, जिसने क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसा कीर्तिमान रचा है कि उनका नाम ही अपोनेंट टीम के पसीने छुटाने के लिए काफी होता था। अगर स्कूल के दिनों की बात करें तो अपने स्कूल के दिनों से ही सुनील यानी सनी क्रिकेट में एक अच्छा खासा नाम बना चुके थे। कॉलेज के दिनों में उनके खेल के लोग दीवाने हुआ करते थे। 1966 में सुनील गावस्कर ने कर्नाटका के खिलाफ रणजी के मैचेस में अपना डेब्यू किया। रणजी खेलते हुए उन्होंने राजस्थान के खिलाफ शतक लगाया जिसने सेलेक्टर्स का दिल जीत लिया। बस फिर क्या था, 1971 के वेस्टइंडीज के खिलाफ दौरे के लिए उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो सुनील गावस्कर ने एक नेशनल प्लेयर के तौर पर क्रिकेट की दुनिया में अपना पहला डेब्यू 1971 में एक ऐसी टीम के खिलाफ किया जिसका नाम सुनते ही हर कोई खौफ खाता था, और ये थी वेस्टइंडीज की ताबड़तोड़ खेल खेलने वाली एक पावरफुल टीम। 21 साल का लड़का अपने मामा के दिए बैट के साथ अपना पहला नेशनल मैच खेलने मैदान में उतरा, लेकिन किससे पता था कि अपने डेब्यू में ही ये अपना लिटिल मास्टर वेस्टइंडीज के भयंकर खिलाड़ियों के सामने धुआंधार बल्ला चलाएगा। इस मैच में गावस्कर ने 65 रन जड़े। इसके बाद दूसरी पारी में 67 रन बनाते हुए टीम इंडिया को जीत हासिल कराने में अपना पहला चैप्टर दर्ज किया। बिना हेलमेट के किंग्स पार्क स्टेडियम में खेलते हुए गावस्कर की एंट्री ने वेस्टइंडीज की टीम को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट क्रिएट हो चुका था जब न सिर्फ वेस्टइंडीज जैसी जानदार धमाकेदार टीम को उनके ही घर में भारत ने पहली बार मात दी थी, बल्कि इंडिया ने कैरेबियन जमीन पर पहली बार सीरीज पर कब्जा भी जमाया था। ऐसे में सुनील गावस्कर को देखकर हर कोई यही कह रहा था, छोटा बम और बड़ा धमाका। उस सीरीज में सुनील गावस्कर ने 4 टेस्ट मैचों में खेलकर 774 रन बनाए, जिस रिकॉर्ड को आज तक कोई टच भी नहीं कर पाया है। ठीक 7 साल बाद की बात है जब 1978 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही खेलते हुए सीरीज के एक मैच की पारी में सुनील गावस्कर ने 2 शतक जड़े और दूसरी पारी में 182 रन बनाकर टीम इंडिया के पाले में जीत दिलाई। तो लिटिल मास्टर का ये मैच इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि इस टेस्ट में सुनील गावस्कर का स्कोर 236 रन का रहा। इसे उनकी मैराथन पारी के तौर पर भी याद किया जाता है। तो अब क्रिकेट की दुनिया में लिटिल मास्टर का जादू कुछ ऐसा छाया हुआ था कि भारत के अलावा वेस्टइंडीज वाले भी उनके हार्ट वाले फैन हो गए थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि गावस्कर ने अपने सबसे ज्यादा शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ ही लगाए थे और 1978 में ही पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट मैच में खेलते हुए भी गावस्कर ने इमरान जैसे गेंदबाज के सामने इस सीरीज में 447 रन बनाए। तो अब सुनील गावस्कर यानी सनी बोले तो लिटिल मास्टर क्रिकेट का एक ऐसा नाम था जो जब भी मैदान में उतरता एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करके ही लौटता। सुनील गावस्कर ने वनडे इंटरनेशनल मैच पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ हेनले स्टेडियम में खेला था, लेकिन यहाँ पर लिटिल मास्टर का जादू उतना ज्यादा नहीं चल पाया। पर हाँ, उसके बाद 1987 के वर्ल्ड कप के दौरान सुनील गावस्कर ने फिर एक बार अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ वापसी की और अपना एक दिवसीय शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा। उनके प्यार यानी क्रिकेट का बस यही आखिरी लम्हा था, क्योंकि कुछ समय बाद लिटिल मास्टर क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लेने वाले थे। इस मैच में धुआंधार पारी खेलते हुए उन्होंने बस 88 बॉल में शतक लगाया
और भारत के नाम जीत दर्ज कराई। सुनील गावस्कर के खेलने का अंदाज हमेशा क्रिएटिव रहा। वो अपने खेलने के गजब वाले और बेहतरीन अंदाज से बॉलर की नाक में दम कर देते थे। फ्रंट फुट पर उनके खेलने का तरीका सिर्फ उनके हार्ड कोर फैन सचिन को ही समझ आया। अपनी कैप्टनशिप के दौरान सुनील गावस्कर एक विवाद से भी जुड़े रहे। ये किस्सा था 1981 का, जब मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर कंगारुओं की टीम के गलत शब्दों से गुस्साए गावस्कर ने अपने साथी खिलाड़ी को भी खींच लिया और मैदान से बाहर ले आए। तो अब बात करें लिटिल मास्टर यानी सुनील गावस्कर के क्रिकेट के इतिहास में बनाए हुए कुछ शानदार रिकॉर्ड्स की। तो सुनील गावस्कर लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले खिलाड़ी थे। बतौर कैप्टन सुनील गावस्कर ने सबसे खतरनाक माने जाने वाली टीम यानी ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाने में एक अहम रोल प्ले किया था। तो ये थी क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री शो में आज के एक सूरमा की कहानी। तो मिलते हैं आपसे अब क्रिकेट की नई अपडेट्स के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ अगर आप डेली रहना चाहते हैं क्रिकेट की खबरों से अपडेट, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए क्रिकेट इंसोम्निया और हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्रिकेट से रहिए हरदम अपडेट। क्रिकेट इंसोम्निया, क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर।